हमें एक और बात करनी थी आप सबसे। हाँ, हम बहुत टाइम से करना चाह रहे थे लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो हम ये सोच रहे थे कि कुसुमदी के साथ साथ नकुल और रश्मि की भी शादी की डेट फिक्स कर दे। तो अरे सयूरी बेटा, हम भी तुम्हारे पापा और मौसी जी से यही बात कर रहे थे कि इन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। बेटा, पिछले कुछ अरसे से घर में मानो तकलीफों का, मुश्किलों का दौर ही चल रहा है, इसलिए ये बात हमें सूझी ही नहीं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हम सोच रहे थे कि रश्मि और नकुल की शादी भी उसी मंडप में कर दी जाए जिसमें दीदी और यश की हो। अरे काना, क्या आइडिया है, ये तो डबल सेलिब्रेशन हो जाएगा। टू गुड। हाँ, एक बेटी घर से विदा होगी और उसी वक्त दूसरी बेटी घर आ जाएगी तो कुसुम की कमी कुछ कम ही महसूस होगी। अच्छा सुझाव दिया लल्ला, ऐसे ही करेंगे हम लोग। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो, बहुत खुश। खुश रहो बेटा। ऐसे कैसे कर सकते हैं? दोनों की शादी एक ही दिन होगी तो ना वो अपने भाई की शादी एंजॉय कर पाएंगे और ना हम उनकी। और सिर्फ शादी का दिन ही नहीं है, जिंदगी भर के लिए एनिवर्सरी भी सेम। लाइफ का सबसे स्पेशल डे हमें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्या कृष्णा जी, कुछ भी कभी भी पूरा क्यों नहीं मिलता है हमें? ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं आप हमारे साथ। काना, जल्दी से तू ये ड्राई फ्रूट्स काट दे और हलवा बना देती हूँ। ओके। पता है, आज हम इतने खुश हैं कि दिल छलांगे मार रहा है। कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते इस खुशी को किसी के साथ। आज कुसुमदी को वैसा लाइफ पार्टनर मिल गया है जैसा वो डिजर्व करती हैं, और नकुल और रश्मि की शादी भी फिक्स हो गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ काना। और पता है, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे घर के जितने बड़े हैं वो सब स्ट्रेस फ्री हैं, फाइनली। हाँ, और होपफुली आगे ऐसी कोई स्ट्रेस आए भी ना। बस उनकी खुशियों को दुगना चौगना कर दीजिए कृष्णा जी। वैसे उन दुगनी चौगनी खुशियों में एक लेयर तो हमारी खुशी की भी होनी चाहिए ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वापस एक बार ट्राई करें। हमें छोटी सयू या छोटा काना वापस से इस दुनिया में लाने के बारे में सोचना चाहिए ना। देखिए मिस्टर चौधरी, इस केस में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही थी। सयूरी के पेट के बल गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज सूहा है। साथ ही क्या डॉक्टर? साथ ही उनके दोबारा मां बनने के चांसेस भी खत्म हो गए हैं। आपकी वाइफ दोबारा मां नहीं बन सकती। हाँ, सोचेंगे ना। ऑफ कोर्स। हो गया ना ड्राई फ्रूट?
इस एक्सीडेंट में सहेरी को जो चोट लगी थी उसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। दी कितना टाइम लगाओगे आप? अरे बस आ ही रहे नकुल। हेलो कुसुम। हेलो। ये क्या हाय हेलो कर रहे हो आप? ऐसे हाय हेलो कर रहे हो जैसे पहली बार मिल रहे हो। एक काम करते हैं, हम आप दोनों को ना अच्छे से मिला देते, अच्छे से इंट्रोडक्शन कराते। आइए आइए। अरे दी मीट यश, यश मीट दी। अरे लगता है हमें ना आप दोनों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ने वाली है, एंगेज कपल जैसे बिहेव करने की एक्सपीरियंस ना। एक्चुअली क्या है ना दी, हम यश को हमारा घर दिखा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना आपके रूम से हम शुरू करें। सो यश, ये है कुसुम दी का कमरा, कैसा है? अच्छा है ना? ओ नो, हमें अभी याद आया कि भाई ने हमें बहुत जरूरी काम बताया था और हम तो भूल ही गए। सो दी प्लीज बाकी का घर आप इन्हें दिखा दो, हम आते हैं। बहुत वक्त से चाह रहा था कि तुम मुझे अकेले में मिलो तो हमारी कुछ बात हो सके। जिसने इतनी बड़ी बात इतने सारे लोगों के सामने कह दी, वो अकेले में हमसे क्या बात करना चाहेंगे? You're right, पर मैंने सबके सामने जो मुझे कहना था वो कह दिया, लेकिन तुमने अपने मन की बात नहीं कही। कह तो दी। वो तुम्हारे मन की बात थी? You sure? सच कह रही हो ना? झूठ क्यों कहेंगे? हाँ मतलब कुसुम, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना और तुम जनरली मुझसे शादी करना चाहती हो ना, ये सब कुछ बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा? आपको ऐसे लग रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है अब। और हाँ कुसुम, मेरे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि तुम ये डिसीजन किसी के प्रेशर में आके तो नहीं ले रही हो ना? आई मीन कोई भी स्ट्रेस या कोई तनाव तो नहीं है ना? क्योंकि वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। नहीं यश, हम पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। हम ये शादी अपनी मर्जी से और पूरे मन से करना चाहते हैं। पता है कुसुम, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम ही मेरी मंजिल हो, पर शायद डेस्टिनी को वो मंजूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाथों में नहीं था, पर आज जो इस पल में है वही सच है। कुसुम, मैं पहले तुम्हें एक बार खो चुका हूं, पर अब दोबारा खोना नहीं चाहता। You know, Kusum, today I'm so happy. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं चाहता था और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिल सकता है, वो आज मुझे मिल गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पल को अपनी बाहों में भर लूं और इस पल को अपनी बाहों में यहीं रोक लूं।
नो कुसुम प्लीज तुम इसे गलत मत समझना। एंड आई प्रॉमिस यू मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हारे विश या तुम्हारी डिग्निटी के खिलाफ। यू कैन ट्रस्ट मी। यश अगर हमारी मर्जी हो तो आई थिंक इससे पहले कोई मुझे यहाँ पे देख ले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो क्या है ना, जिन लोगों ने अभी मुझे इतना प्यार किया उनके जूते चप्पल नहीं खाना चाहता मैं। तो फिर मैं जाऊं? हाँ पक्का। हाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो। एक्चुअली चाहता तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर क्या है ना मुझे किसी के जूते चप्पल नहीं खाने, और स्पेशली तुम्हारी मॉम, उनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। कान्हा और सयूप हलवा लेकर गए हैं भगवान जी को भोग लगाने। हम जल्दी से केक काट के ना राशू बाहर चलते हैं। राशू आराम से बेटा, चीजें क्यों पटक रही है? अरे क्या हुआ, चीजें क्यों पटक रही है? आपको इनका पटकना सुनाई दे रहा है माँ, पर हमारी लाइफ में जो उठा पटक हो रही है उसका क्या? सही देखो क्या पड़ी हमारी शादी की, पूरा सामूहिक विवाह बना के रख गया उन्होंने जीजू ने मिलके। पता नहीं दोनों क्या मतलब ये माँ कि लाइफ में एक ही बार शादी होती ना इंसान की, और वो चाहता है कि उसका वो दिन स्पेशल हो, यादगार हो, पर दीदी ने वो भी हमारी लाइफ में नहीं होने दिया कुसुम दी, और हमारी शादी एक ही दिन करवा के तो पूरे घर का खर्चा बचा लिया और सब लोगों को इम्प्रेस कर दिया, और हमसे एक बार भी पूछा नहीं उन्होंने। बेटा कैसे पूछते, वहाँ सब लोग तो थे ना। माँ हमारी शादी है उनकी शादी है। अरे हमें नहीं करनी एक ही दिन पे शादी, कोई 1+1 ऑफर है कि साबुन के साथ शैम्पू फ्री है? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है राशू कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। हाँ छोटी छोटी बातों का तमाशा क्यों बना रही हो तुम बच्चे? इतना अच्छा खुशी का मौका है, तूने इसमें भी दुखी होने का कुछ ढूंढ लिया? राशू अभी तक तो तुम शिकायत कर रही थी कि किसी को हमारी शादी की नहीं पड़ी, हमारी शादी नहीं हुई है, और अब जब फिक्स हुई है तो उसमें नाराज होने का बहाना ढूंढा तूने? बहाना नहीं है माँ, हमारे दिल की बात कह रहे हम, और हमने किसी का क्या बिगाड़ा कि सब हमारी खुशी के पीछे पड़े रहते हैं, और हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करा रही कुसुम दी की दूसरी शादी हमारी। चुप रश्मि, चुप हो जा। पापा ने नियम रखा था कि हम अपने बच्चियों पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे, उनका मान रखने के लिए हम रुक गए, वरना बात तो तूने थप्पड़ खाने वाली ही की है। हमारी बात तुम अच्छे से समझ लेना राजू, दोबारा अपने मुंह से ऐसी बातें निकाली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या माँ? नहीं तो अच्छे कुछ भी तो नहीं, वो राशू की शादी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसकी शादी का जोड़ा वगैरह।
ये केक कट गया, सब वेट कर रहे हैं ना बेटा, चलो ले चलते। जीजू अच्छे से केक खाइएगा, शर्माना नहीं, दीदी का ही बर्थडे है, खुशी का मौका है, खाइए। अरे प्लीज ये जीजू जीजू मत बुलाओ, बहुत ऑड साउंड करता है। यस इज फाइन। नहीं नहीं जीजू, अब तो जीजू ही बुलाना पड़ेगा। हाँ जीजू प्लीज, जीजू 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 जीजू। अरे कम ऑन गाइस, दैट्स नॉट फेयर ना, तुम साथ में मिलकर मेरे अगेंस्ट टीम अप हो रहे हो, कम ऑन। अरे देखो अब हमारी एक ही बहन है, तो आप हमारे इकलौते जीजू हो, अब जीजू ही बुलाना पड़ेगा ना। मर गए। ये रश्मि को क्या हुआ है, कहीं मेरी किसी बात से तो अपसेट नहीं हो गई? हाँ वकील साहब बोलिए ना। ओके जी ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ खाना, वकील साहब ने क्या कहा? पापा कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया, हम पे लगे सारे इल्जाम क्लियर हो गए। हाँ एक्चुअली हमारे लॉयर ने सेल्फ डिफेंस के ग्राउंड पे बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, और साथ ही साथ जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया। पर एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वैशाली भी गई थी वहां गवाही देने के लिए, इसलिए हमारा केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है इस घर के लिए, कुसुम का जन्मदिन है, दोनों बच्चों की शादी तय होगी, पर काना के सर पे जो संकट था वो भी टल गया। अब तो नाराज नहीं है ना अपने कृष्णा जी से? हा? हमने कहा था ना कि उसके यहाँ देर है पर अंधेर ना है। कृष्णा जी का लाख लाख धन्यवाद। हाँ और उन सबका जिन्होंने इस मुश्किल दौर में हमारा साथ दिया, और खास करके यश का जिसने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भले ही वो कान्हा का केस हो या फिर कारोबार में नकुल की सहाय। हाँ यश थैंक यू सो मच, हमारे सजेस्ट किए हुए वकील ने हमारी बहुत हेल्प की। कम ऑन कान्हा, वी आर फैमिली नाउ, तो थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। अब तो डबल खुशी का मौका है, केक खाया नहीं ठूसा जाएगा। माँ आपने कहा था ना अगर कोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन सुनाएगा तो हम जरूरतमंद लोगों को कंबल देंगे, खाने का सामान देंगे। हाँ तो आज ही करते हैं ना ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जाओ और तुरंत आओ। हम सामान की लिस्ट बना देते हैं, तुम और सयूरी जाके लेके आओ। हम भी चले आपके साथ। अरे नहीं नकुल, दीदी के बर्थडे का सेलिब्रेशन अभी शुरू हुआ है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, तुम यहीं रहो। पर हमारे जाने से। नहीं नकुल समझा कर यार। काना बेटा हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लिस्ट भी दे देते और पैसे भी। आओ जी। तुम कब अपने भैया और भाभी की पूछ बनना छोड़ोगे नकुल?